जनपद जालौन की चुटकी तथा कैलिया एवं जालौन पुलिस को अहम सफलताएं मिली। आपको बता दें, एक नाबालिग सहित कुल 5 चोर पकड़े गए। वहीं सोने चांदी के जेवरात तथा अवैध तमंचे जिंदा कारतूस बरामद हुए। सभी चोरों के खिलाफ सुगंधा धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। मामले को क्षेत्राधिकारी को तथा क्षेत्राधिकारी काल्पनी ने जानकारी दी। थाना चौकी पर ग्राम 18 कला के आनंद पांडे ने तहरीर सूचना दी थी कि उनके घर से कुछ आभूषण चोरी हुए हैं। सूचना प्राप्त होने पर मुकदमा अपराध संख्या 59/23 धारा 380/411 IPC पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद हमारी जो थाना चौकी की टीम थी सक्रिय हो गई और इसमें SO राजीव कुमार वैश्य और SSI जो रोहित शर्मा की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और जितने भी संदिग्ध थे सबसे पूछताछ की गई। पुराने HS थे उनसे पूछताछ की गई। पुराने 5 साल के जो चोर थे उनका सत्यापन किया गया। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आलोक पुत्र गजेंद्र सिंह निवासी ग्राम धामनी थाना शीर्षाकलार इस अभियुक्त को पकड़ा गया। अभियुक्त के पास से करीब 250 ग्राम चांदी और 30 ग्राम सोना बरामद हुआ है। सोने में 2 अंगूठी सोने की हैं, 1 चैन सोने की है, 3 सेट हैं सोने के कान के और 1 ओम है। ये अभियुक्त से सोने का सामान बरामद हुआ है। साथ ही 250 ग्राम सफ़ेद धातु के आभूषण बरामद हुए हैं। ये अभियुक्त से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त से पता चला कि बहुत सातिर चोर है। अपने जो 18 कला में शायद ही कोई घर होगा, 4-5 घरों को छोड़ दी जाए, उनको छोड़ के सब घरों में चोरी कर चुका है। करीब 30 से ज़्यादा मोबाइल चोरी कर चुका है। अभी नाबालिग है ये अभियुक्त, तो अभी इस अभियुक्त के विरुद्ध इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इसके खिलाफ अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। जी, कैलिया के पीपरी कला में 21 जून 2023 को एक मुकदमा संख्या 57/23 पंजीकृत किया गया था धारा 379 में, जिसमें चोरी जो इंडस टावर की जो बैटरियां होती हैं उसमें चोरी के माल के साथ 2 गिरफ्तार किए गए। उसमें रात में मौके का फायदा उठाकर 2 अभियुक्त जिसमें अरवाज राइन सनाफ अजमेरी राइन और मनुआ उर्फ अनीस पुत्र अब्दुल गफूर, ये दोनों थाना जनपद पुलिस स्टेशन पहुँच के रहने वाले थे और ये दोनों मौके का फायदा उठा के भाग गए थे। आज कैलिया पुलिस द्वारा जब अभियान चलाया गया जिसमें चेकिंग संदिग्ध थे लुटेरे वाहन चोरों आदि के विरुद्ध ये अभियान चलाया गया जिसमें इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। इसमें अरवाज राइन पुत्र अजमेरी राइन के पास एक अदद तमंचा 315 बोर का और 2 कारतूसें मिली हैं और इसको गिरफ्तार करने वाले में थानाध्यक्ष कैलिया में पुलिस टीम के साथ रहे।